क्रिसमस का सेलिब्रेशन। रमन को किस बात की टेंशन? इशिता को मिला सरप्राइज। सीक्रेट सेंटा होने की? सीक्रेट सेंटा की फरमाइश। भाई भल्ला हाउस में तो क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन हमारी इशिता यानी दिव्यांका त्रिपाठी को तो पहले ही सरप्राइज मिल गया, जब अचानक सेट पर ही केक काट कर दिया गया दिव्यांका को उनके जन्मदिन का तोहफा। सरप्राइज क्योंकि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए आज केक आएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने तो बर्थडे के दिन छुट्टी ली थी, तो छुट्टी वाले बच्चों के लिए केक भी आता है, पर मेरे लिए आया। सो आई एम वेरी हैप्पी, काफी अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ, देखो हड़प रहे लोग केक। भाई इसे कहते हैं दिन का बन जाना। वैसे सुना है कि आजकल हमारी इशिता डाइटिंग पर है, इसीलिए केक तो काटा पर खाया नहीं। मुझे खुद को बुरा लग रहा है, तरफ से खाया है सारा केक, मैंने उनकी तरफ से खा लिया, तो एक और पीस पैक खिला दिया। चलो कोई बात नहीं, इनकी रील बिटिया रानी ने वो कमी भी पूरी कर दी। अब दिव्यांका से पूछ ही लेते हैं कि इनके रियल बलिए विवेक के साथ कैसे मनाया अपना जन्मदिन और क्या क्या तोहफे मिले। विवेक सरप्राइज्ड मी, एक मोबाइल गिफ्ट किया उन्होंने मुझे, एक कॉफी मशीन गिफ्ट की उन्होंने मुझे, उन्हें मालूम था मुझे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉफी बहुत पसंद है और मैं वो देखती थी, तो मैं कहती कॉफी, तो उन्होंने मुझे वो वाली मशीन गिफ्ट कर दी। टुक मी टू अ होटल, वहां पे हमने स्टे किया। वैसे सेलिब्रेशन की तैयारियां तो भल्ला हाउस में भी चल रही हैं, जहां चिट बनाकर लिखा जा रहा है सारे परिवार के सीक्रेट सेंटा का नाम। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है यहां पे सब में, एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी। चलो मतलब इतना ज्यादा जो माहौल जो है सीरियस हो गया था घर का, तो बोलते ना कि त्योहार होता है वो माहौल को थोड़ा काम डाउन करता है, तो अभी बस क्रिसमस है जो खुशियाँ लेके आ रहे हैं। रमन भी चीटिंग करने से बाज नहीं आ रहे, देखिए कैसे अपनी चिट की हेरा फेरी कर इशिता को अपना सीक्रेट सेंटा बनाना चाहते हैं। तो वही खुशियां तो आईं, लेकिन थोड़ा गम भी साथ लेकर आईं। जब रमन और इशिता ने मिस्टर अय्यर की ऐसी हालत देखी तो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाए। कोई हमला कैसे कर सकता है रमन? रमन वो तो उसकी मदद करना चाह रहे थे, और क्या मिला उन्हें भलाई करके? कोई बात नहीं रमन और इशिता, हमें यकीन है कि इस बार सेंटा भल्ला हाउस में खुशियों के तोहफे भर देंगे और एक बार फिर ताजा होगी रिश्तों की मोहब्बतें। नुपुर माओजी, मुंबई आज तक।